आपके लिए आपके करियर में व्हाट आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आप अच्छे से करियर बना पाओ और साथ ही साथ नो डाउट आपको सैलरी भी अच्छी मिल सके। कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा सकते हो? स्वागत दोस्तों, मैं हूं कसुंडर, आप देख रहे हैं न्यूज़मिक्स सेल्फ यूनिक। गाइस, इस समय आपके लिए आपके करियर में व्हाट आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर। आप अभी किसी प्रोफाइल में हो, आपको लगता है कि सर मुझे कुछ शिफ्ट करना है, तो कौन कौन सी प्रोफाइल में शिफ्ट करना चाहिए और उसमें शिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे कुछ ओपनिंग्स अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसी प्रोफाइल्स अच्छी लगती हैं, उनको डेप्थ में मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा जाएगा तो उसको देखिए, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो गाइस, कौन कौन से ऐसे बेहतरीन करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और उनके लिए क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गाइस, जो सबसे पहली ओपनिंग इसमें मुझे अच्छी दिखती है और प्रोफाइल अच्छी दिख रही है, वो दिख रही है स्ट्रक्चर इंजीनियर की। किसकी दिख रही है? स्ट्रक्चर इंजीनियर की। ये सबसे अच्छी प्रोफाइल है और ये एवरग्रीन प्रोफाइल है। जितनी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी उतना बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मतलब, इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर वो बात कर रहा हूँ, मैं आरसीसी की बात कर रहा हूँ। आरसीसी एक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक हो सकता है। इसमें आप आराम से करियर बना सकते हैं। इसमें करियर बनाने के लिए आपको जो जो चीजें सीखनी पड़ेगी गाइस, वो सीखनी पड़ेगी ऑटोकैड, ऑटोकैड के साथ स्टैट प्रो, स्टैट प्रो के साथ ईटेम या फिर सेफ, सॉरी ईटेम एंड सेफ, ठीक है। ये अगर आप सीख लेते हैं तो आप आराम से करियर बना सकते हैं। मीन्स ऑटोकैड आ रहा है, स्टैड आ रहा है, और क्या साथ ही साथ आपको आ रहा है ईटेप्स और सेफ, ठीक है। ईटेप्स क्यों? हाई राइज बिल्डिंग एनालिसिस करने के लिए। सेफ क्यों? फुटिंग की और स्लैब की डिजाइन करने के लिए। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन में से एक हो सकता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोफाइल। जो दूसरी प्रोफाइल है गाइस, वो कौन सी हो सकती है इस समय जो बेस्ट करियर इंडस्ट्री में चल रही है? वो चल रही है बीआईएम की, ठीक है। बहुत ज्यादा पैकेज अगर आपको देखना है पैकेज के सेंस में और काम के सेंस में, इसमें सबसे ज्यादा ओपनिंग निकल रही है गाइस। इवन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से भी ज्यादा पैकेज, उनसे भी ज्यादा काम बीआईएम के अंदर निकल रहा है गाइस, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंदर। इसमें करियर बनाने के लिए जो मुख्य सॉफ्टवेयर है गाइस, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर बहुत ढेर सारे मार्केट में, जो मुख्य सॉफ्टवेयर है वो है रेविट, जिसका तीनों डिसिप्लिन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमवीपी और साथ ही साथ नेविस वर्क और टेक्ला। रेविट, नेविस वर्क और टेक्ला, अगर ये तीन सॉफ्टवेयर सही तरीके से आप सीख लेते हैं और बीआईएम के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है उनको सीख लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बीआईएम में करियर बना सकते हैं। ये रहा दूसरा ऑप्शन। आप सोचिए कि आप इसमें करंट कहाँ है, फ्रेशर है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, किसी दूसरे प्रोफाइल में है तो भी एंट्री ले सकते हैं। ये समझ के रखिए कि आप 5 से 6 लाख 7 लाख तक आप आराम से साल 2 साल के एक्सपीरियंस पर अर्निंग कर सकते हैं। जो तीसरी प्रोफाइल है गाइस जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो, वो है पीईबी, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसमें अगर आप कैरियर बनाते हैं तो अच्छा पैकेज इसमें भी पाएंगे, क्योंकि इसमें लोग कम है। पीबी में अगर करियर बनाना है तो तीन मेन सॉफ्टवेयर है गाइस जिनको आप अपना सीख के करियर डेवलप कर सकते हैं। उसमें से पहला है ऑटोकैड, दूसरा है स्टैट प्रो और तीसरा है टिकला, ठीक है। ये तीन सॉफ्टवेयर अगर आपको आ रहे हैं, ऑटोकैड, स्टैट प्रो और टिकला, ये तीनों सॉफ्टवेयर अगर आपको आ रहे हैं तो आराम से आप पीवी के अंदर करियर बना सकते हैं। आप चाहे गूगल सर्च कर लीजिए, बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स, बहुत अच्छे पैकेज आपको पीवी में भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें चाहे फ्रेशर्स भी एंट्री कर सकते हैं, इवन एक्सपीरियंस भी एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। चौथा जो करियर ऑप्शन जो गाइस मुझे लगता है कि बेहतरीन है, वो गाइस यहाँ पर है प्रीकास्ट। इसका काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इवन बड़े शहरों में तो बहुत तेजी से बढ़ चुका है। प्रीकास्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ये और डेवलप हो रही है, तो आने वाले दिनों में इसका भी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। अगर आप प्रीकास्ट में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखने की जरूरत है। ऑटोकैड, रेविट और टेक्ला, अगर ये तीन चीज सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां रेविट यूज करती है, कुछ कंपनियां टेक्ला यूज करती है, कुछ केवल ऑटोकैड, तो हम कहते हैं तीनों ऑप्शन लेके चलो, ऑटोकैड, रेविट और टेक्ला, अगर सीख लेते हैं आप प्रीकास्ट के अंदर अच्छे करियर ऑप्शंस के रूप में देख सकते हैं। जो मैंने चारों ओपनिंग्स बताई है, इस जो चारों इंडस्ट्री बताई यहां से लेके यहां तक, चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को, चाहे बीआईएम की हो, चाहे पीईवी को, चाहे प्रीकास्ट की हो, ये ओपनिंग सारी की सारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है। मींस इसमें आप 9 to 6 की जॉब पा सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे की ओपनिंग्स पा सकते हैं, मींस मंडे टू फ्राइडे आपका जॉब का टाइम हो सकता है, और साथ ही साथ नो डाउट एक व्हाइट कॉलर जॉब के रूप में आप इसको देख सकते हो। तो ये चारों बहुत अच्छे हैं। मैंने स्पेशली इस बार सॉफ्टवेयर पर डिस्कस किया गया, इसके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया आपको, क्या बताया? ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ईटेम और सेफ। सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, पीआई में मैंने क्या बताया आपको? रेविट, उसमें तीनों डिसिप्लिन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमएपी, उसके साथ टेक्ला, उसके साथ नेविसवर। उसके साथ अगर बात करें पीईबी का, तो पीईबी में तीन सॉफ्टवेयर गाइस जो आप सीख सकते हैं, जिससे आप करियर बना सकते हैं, ऑटोकैड, स्टैट प्रो और टेक्ला स्ट्रक्चर। और प्रीकास्ट में भी हमने आपको तीन सॉफ्टवेयर बताए, ऑटोकैड, रेविट और टेक्ला। ये तो रहे सॉफ्टवेयर। अगर बात करूं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ने जाएंगे, वो बहुत
और बड़ा है। और अगर आप चाहते हैं कि सर आप बताइए कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अगर आप कमेंट करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पक्का बनाऊंगा किसके ऊपर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर के अलावा क्या क्या पढ़ेंगे, आईएएस कोड में कौन कौन सा आईएएस कोड पढ़ेंगे, विन एनालिसिस सिस्मिक एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मीन्स ब्रीफ आपको चाहिए किसी भी प्रोफाइल का, तो नीचे कमेंट करिए। करने को मैं इसी वीडियो में कर सकता हूँ, बट ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर चारों डिसिप्लिन बताऊंगा, तो बेटर है आप कमेंट करिए कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में जानना है कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, या फिर बीआईएम में, क्योंकि बीआईएम में गाइस बीआईएम मॉडुलर है, बीआईएम स्ट्रक्चर मॉडुलर है, बीआईएम इंजीनियर है, बीआईएम कोऑर्डिनेटर है, बीआईएम मैनेजर है, तो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, तो और सबके लिए अलग अलग उसके लिए स्टडी लगेगी। तो अगर आप चाहें तो हम बीआईएम के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीवी में अगर आप बोल रहे हैं तो पीवी में, क्योंकि गाइस पीवी में क्या होता है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, वेयर हाउस इंडस्ट्री पूरी अलग से है कि वेयर हाउस कैसे क्रिएट करते हैं मूवमेंट के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे जैसे एयरक्राफ्ट हैंगर्स जहां पर एरोप्लेन वगैरह रुकती है उसको कैसे बनाएंगे, स्टेडियम्स जो बड़े बड़े बनते हैं स्टेडियम्स के कैसे क्रिएशन होते हैं, ये पूरा एक बड़ा सा इंडस्ट्री है, ठीक है, इसमें कैसे इसको यूज करते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं, किसके बारे में, पीवी के बारे में। इसके बाद गए जो नेक्स्ट इंडस्ट्री वो है प्रीकास्ट, प्रीकास्ट में भी कई चीजें बनती है, जैसे कि प्रीकास्ट के आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े अच्छे अच्छे आजकल बाउंड्री भी बन रहे हैं, सॉरी प्रीकास्ट में कई कई ढेर सारी बिल्डिंग्स बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को ब्रीफ किया जाए तो नीचे कमेंट करिए। ये चारों इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत फेवरेट है, और क्या बोलते हैं, नो डाउट अगर आप भी, क्योंकि इसमें आप पूरी की पूरी तरीके से ऑफिशियल जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवी इंडस्ट्री हो सकती है वो बिलिंग इंजीनियर की हो सकती है, बट बिलिंग इंजीनियर का जो कैरियर है आगे जाके स्टक हो जाता है। क्यों स्टक हो जाता है, बिलिंग इंजीनियर नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या करें, इन चारों इंडस्ट्री में स्टक होने का कोई केस ही नहीं है। क्यों, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का मैंने जस्ट आपको बिगनिंग बताया ये है, इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, मतलब अगर मैं बताऊं तो इसके बाद एफईएम के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे एनालिसिस करेंगे, ऐसे कर्व एजेस शेप्स का उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। इसके अलावा इसमें हमने बहुत ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स ने डिस्कस किए, जैसे कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम लोग ब्रिज स्ट्रक्चर्स डिजाइन करेंगे, किस तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर्स डिजाइन करेंगे, डैम स्ट्रक्चर्स, रिटेनिंग वॉल वगैरह वगैरह। तो मैंने जस्ट एक स्टार्टिंग बताया आपको, तो मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर आप करियर बनाए तो इस करियर को खत्म करते करते हम लोग की एज खत्म हो जाएगी, बट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग नहीं खत्म होगा, करियर हमेशा ऐसा ही चूज करना चाहिए गाइस, जिस करियर का ग्रोथ लंबा हो, लॉन्ग हो, ठीक है। बीआईएम में जो मैंने आपको बताया है, तो मैंने जस्ट आपको बताया बीआईएम में एंट्री करने के लिए, बीआईएम स्ट्रेटजी एक अलग पार्ट है, बी मॉडलिंग एक अलग पार्ट है, बीम इम्प्लीटेशन एक अलग पार्ट है। मैं आपको सिर्फ बात कर रहा हूँ बीम मॉडलिंग के बारे में, इसके बाद बीम स्ट्रेटजी अलग है, बीम इम्प्लीमेंटेशन अलग है, मतलब बहुत लंबा कैरियर है, सॉफ्टवेयर का अंत नहीं है, ठीक है, बट एंट्री कहाँ से करनी हो मैंने आपको बताया। पीवी की बात करूं तो पीवी में मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेयर हाउस से लेकर तरह तरह के इंडस्ट्रीज है जहां जहां पर पीवी स्ट्रक्चर्स यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री अगर आप अभी मैं शायद ना दिखा पाऊँ, आप unicsivil.com पे जाएंगे तो मैंने पीवी का पूरा एकदम पूरा रिकॉर्ड लेक्चर्स दे दिया है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का दे रखा है, मीन्स ऑल इन वन करके दे रखा है, बीआईएम का दे रखा है, वहां से आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि सर इस इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफ में बताइए कि इसमें क्या क्या सीखना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में लाऊं तो उन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर ले आऊं डेप्थ में। अगर बिलिंग इंजीनियर का भी चाहिए तो बता सकते हो, ठीक है, नो डाउट ये चारों इंडस्ट्री में मेरी पकड़ अच्छी है, ठीक है, मैं इसमें काफी दिन से काम कर रहा हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा बेटर आपको एक्सप्लेन करूंगा एज कम्पेयर टू जो और भी डिसिप्लिन हो सकती है, जैसे कि अभी जियोटेक एक अलग से डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं सर्वे एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, बट मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ ऑफिशियल जॉब की, तो ये सारी ऑफिशियल जॉब आप पा सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी नॉलेज मिला तो नीचे कमेंट करना कि हाँ सर चार नए ऑप्शंस तो मिले हमारे दिमाग में जहां पर हम अपने करियर को पुट ऑन कर सकते हैं, अब आपके बारी है, कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा। चलिए जय हिंद जय भारत।